कहाँ है भाई? वीडियो शुरू होने वाला है यार, तू और तेरा वीडियो, चल शुरू कर। हे गाइस, आई एम वासुदेव और आप देख रहे हैं मिक्स विद वासुदेव। तो जितने भी लोग वेट कर रहे थे मंथली कॉन्टेस्ट के रिजल्ट की, तो मैंने सोचा मैं बता ही दूं आप लोगों को। तो मंथली कॉन्टेस्ट का जो रिजल्ट है वो अगले वीडियो में अनाउंस होगा एंड मैं पूरी कोशिश करूंगा कि उसको 30th से पहले डाल दूं चैनल पे। एनी हाउ, चाहे लेट भी हो या जल्दी हो, अगला वीडियो जो है वो मंथली कॉन्टेस्ट का ही होने वाला है। भाई, मैं अपनी एंट्री अगले कॉन्टेस्ट में भेजूंगा। क्यों, क्या हुआ? ज्यादा एंट्रीज देख के घबरा गया क्या? तुझे ऐसा लगता है तो मैं बता ही देता हूँ। क्या? वो मैं मार्टिन गैरिक्स को क्लासेस दे रहा था, इसीलिए थोड़ा बिजी था। वो एनिमल्स वाला मार्टिन गैरिक्स? और कितने मार्टिन गैरिक्स को जानता है तू भाई? चल चल, फेक मत और सच सच बता दे, क्यों नहीं भेजी तूने अपनी एंट्री? ये सही है, तू रफ्तार को क्लासेस दे सकता है तो मैं मार्टिन गैरिक्स को नहीं। ठीक है भाई, मान लिया। तो गाइस, आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे कि कैसे हम लोग अपने क्लाइंट को ढूंढ सकते हैं, कैसे हम लोगों की लाइफ में अपना फर्स्ट पेड प्रोजेक्ट आता है, कैसे उसको अप्रोच करते हैं, कैसे उसके लिए प्लान करते हैं, क्योंकि डेफिनेटली आपके घर पे कोई चिट्ठी तो आती नहीं है या जादू से आपके पास क्लाइंट का फर्स्ट प्रोजेक्ट नहीं आता। तो आज मैं वही कुछ चीजें आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा जो आप लोगों को हेल्प करेंगी कमर्शियल मार्केट में, कमर्शियल इंडस्ट्री में घुसने में और अपनी सर्विसेज से पैसा कमाने में। तो टॉपिक को शुरू करने से पहले एक गुड न्यूज थी आप सब लोगों के लिए, काफी सारे राइट आर्मी के मेंबर्स हैं जो काफी ज्यादा रिस्पॉन्सिबल है और उन लोगों ने मेरे को इंस्टाग्राम पे डीएम किया था कि दो बहुत ही अमेजिंग प्लगइन्स जो हैं वो फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहे हैं इस वक्त। तो डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को सारी डिटेल्स मिल जाएंगी। वो जो दो प्लगइन्स हैं उनमें से एक है आपका वेव्स का एच कंप्रेसर और जो सेकंड है वो है आपका आइसोटोप का न्यूट्रॉन 3 एलिमेंट्स। सो अगर आप लोग चाहते हैं कि इन पे मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊं, एक ऐसा वीडियो बनाऊं जिसमें मैं इन दोनों प्लगइन्स को डिस्कस कर रहा हूं, तो नीचे जरूर कमेंट करके मेरे को बताना। तो गाइस, बात करते हैं वीडियो की। तो सबसे पहली चीज जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अगर आप लोगों को क्लाइंट्स ढूंढने हैं, अगर आप लोग चाहते हैं आपको क्लाइंट्स अप्रोच करें या इनफैक्ट कोई भी ऐसा इंसान अप्रोच करे आपकी सर्विसेज के लिए जो पैसे देने को तैयार हो और वो कोलैब ना करे, तो वो है वर्क प्रोफाइल। तो वर्क प्रोफाइल से काफी सारे लोगों के दिमाग में आ रहा होगा कि हमें जॉब के लिए थोड़ी अप्लाई करना है जो प्रॉपर वर्क प्रोफाइल बनानी पड़ेगी। तो देखो, इनकेस आपको स्टूडियोज को अप्रोच करना है तब शायद आपको वो चाहिए होगी, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपको क्लाइंट्स अप्रोच करें, अगर आप लोग चाहते हैं कि आप उस कोलैब वाले जोन से दूर चले जाएं, सो वर्क प्रोफाइल बहुत ही जरूरी है। और वर्क प्रोफाइल से मेरा सिंपली मतलब ये है कि कम से कम 8 से 10 ट्रैक्स जिनमें आपको क्रेडिट्स मिले हुए हैं, जिन पे आपने काम किया हुआ है, जो आप अपने क्लाइंट को दिखा सकते हो, सो दैट उसको आइडिया लगे कि अगर वो पे करता है आपकी सर्विसेज के लिए तो वो क्या क्वालिटी एक्सपेक्ट कर सकता है। बहुत सारे बिगिनर्स जो हैं वो ये गलती करते हैं और कभी अपनी वर्क प्रोफाइल पे काम नहीं करते, जिसकी वजह से क्या होता है कि आपका क्लाइंट आता है, आप उसे कोई भी एक रेट बताते हो और उसको पता ही नहीं होता कि मैं ये रेट या मैं ये कॉस्टिंग जो भी दे रहा हूं वो किस प्रोडक्ट के लिए दे रहा हूं, तो वो चला जाता है दूसरे क्लाइंट पे। सो वर्क प्रोफाइल इज समथिंग जिससे क्लाइंट्स आपको खुद ढूंढेंगे, क्योंकि वो डिस्क्रिप्शन में आपका नाम देखेंगे, डिस्क्रिप्शन में आपका कॉन्टैक्ट देखेंगे। तो ये जो मैं 8 से 10 ट्रैक्स की बात कर रहा हूँ जिनपे आप लोगों ने प्रोफेशनली काम किया है, प्रोफेशनल आउटपुट निकाला है, ये तब आते हैं जब आप कम से कम 70-80 प्रोजेक्ट्स पे काम करते हो। What? तो अब अगेन काफी सारे लोग यही सोच रहे होंगे कि अगर मैं 70-80 गाने बनाने बैठा तो बहुत टाइम लग जाएगा और वर्क प्रोफाइल बनाने में तो सदियां बीत जाएंगी। तो देखो, उसका भी सिंपल सा सलूशन है और वो है कोलैबोरेशन। तो कोलैब या कोलैबोरेशन आपने बहुत सुना होगा वर्ड, बिकॉज इस पे काफी मजाक भी उड़ता है, क्योंकि लोगों को एग्जैक्टली नहीं पता कि इसका कैसे यूज करना है, कैसे इसकी हेल्प से अपने आप की मार्केट में जगह बनानी है। तो आज मैं आप लोगों को वो चीज एक्सप्लेन करूंगा। तो देखो, कोलैब का मतलब ये होता है कि दो या दो से ज्यादा लोग मिलके एक प्रोडक्ट बनाते हैं, लेकिन उसका सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि वो कॉस्ट इफेक्टिव होता है, क्योंकि सब अपने एफर्ट्स कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। दूसरी चीज ये होती है कि एंड प्रोडक्ट जो है, जो आपका गाना है, वो जल्दी तैयार होता है, जो आपका ओवरऑल प्रोडक्शन है, से इवन इफ अगर आप वीडियोग्राफर के साथ कोलैब कर रहे हो तो आपका एंड प्रोडक्ट जल्दी तैयार होगा। और तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो इससे रिलेटेड है वो ये है कि क्रेडिट सबको मिलेंगे। तो क्रेडिट मिलने से क्या होता है, वो चीज आपकी वर्क प्रोफाइल में जुड़ जाती है और आपका आउटपुट जो है वो जल्दी तैयार हो जाता है। तो एक और क्वेश्चन आता है लोगों के दिमाग में और वो ये होता है कि कोलैब के लिए अप्रोच कैसे करें। तो देखो, अप्रोच करने का सबसे सिंपल तरीका है, फेसबुक पे इतनी सारी कम्युनिटीज है म्यूजिशियंस ऑफ इंडिया, क्लासिकल म्यूजिशियंस वगैरह वगैरह की, आप लोग उनको ज्वाइन कर सकते हो, वहाँ पे कोलैबोरेशन रिक्वेस्ट डाल सकते हो कि आप कौन सी सर्विस प्रोवाइड करते हो और आपकी रिक्वायरमेंट्स क्या है। सिमिलरली इंस्टाग्राम पे हैशटैग्स को सर्च कर सकते हो, जैसे कि इंडियन म्यूजिशियंस, इंडियन वोकलिस्ट। ये मैं अपने स्टूडेंट्स को भी बहुत बताता हूँ, क्योंकि आई एम श्योर आप लोगों ने देखा होगा कि कितने सारे अच्छे अच्छे वोकलिस्ट हैं, लेकिन वो सब अपने फोन से अपने वीडियोस को शूट करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं, जिसकी ऑडियो अप टू द मार्क नहीं होती, लेकिन आई एम प्रीटी श्योर
कंसिडर कि अगर उस रॉ ऑडियो पे अगर कोई प्रोफेशनल ऑडियो इंजीनियर प्रोसेसिंग कर दे तो डेफिनेटली जमीन आसमान का फर्क आएगा। तो उसी चीज के लिए आप लोग उनको अप्रोच कर सकते हो, जिससे होगा क्या, डेफिनेटली अगर उन लोगों की फॉलोइंग अच्छी होगी तो वो आप लोगों को क्रेडिट देंगे, आपको शाउट आउट देंगे, जिससे आपका नेटवर्क ग्रो होगा। सिमिलरली अगर आप किसी और आर्टिस्ट से कोलैबोरेट करते हो सेम फील्ड में सेम निश में, तो उससे आपका ये फायदा हो सकता है कि अगर आप अपने से बेटर आर्टिस्ट से कोलैब करो तो उससे आपकी नॉलेज भी बूस्ट होगी। और अगर किसी के पास फेसबुक या इंस्टाग्राम अकाउंट ना हो तो है, अगर आज के जमाने में भी कोई सोशल मीडिया पे नहीं है ना, तो ट्रस्ट मी उससे ज्यादा बेवकूफ इंसान कोई भी नहीं होगा। नो ऑफेंस, बट अगर कोई भी व्यूअर इस वीडियो को देख रहे हैं तो ट्रस्ट मी सोशल मीडिया पे आपकी प्रोफाइल होना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि आप कितने भी अच्छे आर्टिस्ट हो, कितना भी ज्यादा टैलेंट हो आप में, इन चार दीवारों के बाहर आपको कोई भी नहीं जानता। तो इनकेस अगर आप लोग चाहते हो कि आपको दूसरी स्टेट से कोई अप्रोच करे, दूसरे टाउन से कोई अप्रोच करे, दूसरी कंट्री से कोई अप्रोच करे काम करने के लिए, तो आपको सोशल मीडिया पे होना तो बहुत जरूरी है। तो हमेशा एक चीज तो याद रखना कि अगर आप कोलैबोरेट कर रहे हो तो आपको पता है आपको फाइनेंशियली कोई भी स्टेबिलिटी नहीं मिल रही, कोई भी पैसा नहीं कमा रहे आप उस प्रोजेक्ट से। सो मेक श्योर करें कि जब भी आप कोलैबोरेट कर रहे हैं, या तो आप नॉलेज के लिए कर रहे हैं, या तो आपकी नॉलेज बूस्ट हो रही है सामने वाले इंसान से, या तो सेकंड चीज ये है कि आपका नेटवर्क बूस्ट हो रहा है, यानी कि जिस इंसान के साथ आप कोलैबोरेट कर रहे हो उसकी फॉलोइंग आपसे बेटर है, ताकि आपकी भी फॉलोइंग ग्रो करे, आपका भी नेटवर्क एक्सपैंड हो। नाउ देखो, अब आपने खूब सारा कोलैबोरेशन कर लिया, अब आपके पास वर्क प्रोफाइल भी रेडी है, तो अब बारी आती है कितना रेट चार्ज करने की। तो आई एम श्योर इसमें भी काफी लोगों को कंफ्यूजन होती होगी, बिकॉज ये क्वेश्चंस मेरे स्टूडेंट्स मेरे से खूब पूछते हैं कि सर मैं कितना चार्ज करूं, मेरे को ये प्रोजेक्ट मिला, मेरे को वो प्रोजेक्ट मिला और मेरा काम ये है। तो मैं हमेशा उन्हें ये कहता हूं कि तुम हमेशा अपने क्लाइंट से पूछो कि उसका बजट कितना है, और अगर तुम्हें लगता है कि वो बजट कम है तुम्हारे हिसाब से, तो उसको बताओ कि मेरा चार्ज इतना है, मैं इतना कम से कम लूंगा और ये मेरी वर्क प्रोफाइल है। तो होगा क्या, कहीं ना कहीं आपके क्लाइंट को कन्विंस करने में आपकी वर्क प्रोफाइल ही काम आएगी। जितनी ज्यादा अच्छी आप क्वालिटी प्रोवाइड करोगे, जितने ज्यादा एफिशिएंट हो आप डेडलाइंस को लेके, जितनी ज्यादा सर्विसेज आप प्रोवाइड करते हो, ये सारी चीजें मिलके आपके रेट को डिटरमिन करती है कि आपकी मार्केट वैल्यू कितनी है। क्योंकि डेफिनेटली यहाँ पे आप रेडी वगैरह का भाव नहीं लगा सकते, क्योंकि ये क्रिएटिव फील्ड है और हर इंसान आपस में यूनिक है, हर इंसान का आउटपुट अलग है। इसीलिए ऐसा किसने बोला कि सबके रेट सेम होंगे, ना ही मैं डिसाइड कर सकता हूँ आपका रेट, ना ही एक क्लाइंट डिसाइड कर सकता है आपका रेट, बल्कि सिर्फ आप खुद डिसाइड कर सकते हो। सो इसीलिए मेक श्योर करो आप अच्छी वर्क प्रोफाइल बना रहे हो, मेक श्योर करो आप अच्छी क्वालिटी दे रहे हो, एंड ट्रस्ट मी आपको ज्यादा टाइम नहीं लगेगा इंडस्ट्री में घुसने में, इंडस्ट्री में आगे बढ़ने में। यहाँ पे काफी सारे लोग जो मेरे को नहीं जानते या जो इस चैनल को फॉलो नहीं करते, वो यही सोच रहे होंगे कि कैसे ये सब इतनी श्योरिटी के साथ इंसान शेयर कर रहा है बातें। तो ये मैं कहीं से बुक से पढ़ के या किसी और वीडियो से देख के नहीं, बल्कि अपने खुद के एक्सपीरियंस से शेयर कर रहा हूँ। मेरा भी जो स्टूडियो है मिक्स विद वासुदेव स्टूडियोज, जिसका नाम ओरेकल स्टूडियोज एंड एकेडमी हुआ करता था, उसको भी अभी 1.5 साल हुआ है कमर्शियली रजिस्टर करवाए हुए। लेकिन अगर आप उसकी ग्रोथ देखे, अगर आप उसका चार्ट देखे, तो लास्ट 1 साल में वो कम से कम 20 गुना आगे बढ़ा है, 20 गुना बेटर हुआ है। इन टर्म्स ऑफ रीच कह सकते हो, इन टर्म्स ऑफ सर्विसेज कह सकते हो, इन टर्म्स ऑफ टीम कह सकते हो, बेसिकली ओवरऑल ग्रोथ जो है वो काफी ज्यादा देखने को मिली। और उसका सिंपल सा रीजन ये था कि मैं सोशल मीडिया पे एक्टिव था, मैं फोकस करता था अच्छी क्वालिटी देने में अपने स्टूडेंट्स को, क्योंकि मेरे जो स्टूडेंट्स हैं वो मेरे क्लाइंट कम बल्कि मेरी फैमिली ज्यादा है। इसीलिए मेरे स्टूडेंट्स जो कोर्स भी कर लेते हैं उसके बाद भी वो मेरे साथ टच में रहते हैं, और इनकेस अगर फ्यूचर में कोई भी इवेंट्स होते हैं या कोई भी वर्कशॉप होती है अकेडमी में, तो मैं अपने पुराने स्टूडेंट्स को भी बुलाता हूँ उसमें। तो उससे क्या होता है, हमारा टच, हमारा बॉन्ड हमेशा बना रहता है। प्लस जो लोग एक्टिव है वो मेरे को अपने प्रोजेक्ट्स टाइम टू टाइम भेजते रहते हैं रिव्यू करने के लिए। सो अगर आप कमर्शियली मार्केट में घुसना चाहते हो, तो बिजनेस का सबसे बड़ा रूल जो मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा वो ये है कि ऑलवेज अंडर प्रॉमिस एंड ओवर डिलीवर। तो इसका मतलब क्या हुआ, हमेशा अपने क्लाइंट की एक्सपेक्टेशंस मत बढ़ाओ डील के टाइम, उसको बोलो कि हाँ आप उसका जो भी काम है वो कर दोगे, लेकिन हमेशा मेक श्योर करो जब आप उसका फाइनल प्रोडक्ट उसके हाथ में दे रहे हो, तो जितना आपने बोला था उससे कुछ एक्स्ट्रा करके दे रहे हो। बिकॉज इससे क्या होता है, क्लाइंट के दिमाग में एक अच्छा इंप्रेशन जाता है कि ये इंसान पैसे के लिए नहीं, ये इंसान क्वालिटी के लिए काम करता है, ये इंसान मेरी सेटिस्फेक्शन के लिए काम करता है। जिससे होता क्या है, सिर्फ वो क्लाइंट आपके पास दोबारा नहीं आता बल्कि वो 10 और क्लाइंट्स को आपके पास भेजता है। तो आई होप आप लोगों को इस वीडियो के थ्रू काफी क्लैरिटी मिली हो इससे रिलेटेड, क्योंकि काफी सारे लोग यही पे कंफ्यूज रहते थे कि कब हम वो कोलैब वाले जोन से बाहर जाएंगे, कब हम कमर्शियली मार्केट में उतरेंगे, कब हम पैसे चार्ज कर पाएंगे अपनी सर्विसेज के। भाई मेरे क्लाइंट्स मेरे रेट सुन के गायब ही हो जाते हैं, क्या करूं मैं? अपने रेट्स कम कर और क्या करेगा। वैसे कितना चार्ज करता है तू? 10,000 रुपए चार्ज करता हूँ 1 घंटे का रिकॉर्डिंग के लिए। हैं? ये तो काफी ज्यादा है। लेकिन मैं उन्हें बताता नहीं, पर मैं 1-2 दिन में उनका गाना मिक्स भी करके दे देता हूँ। भाई ये तो तेरे को बताना चाहिए ना उन लोगों को, क्योंकि रिकॉर्डिंग के हिसाब से 10,000 काफी ज्यादा है। लेकिन भाई तूने ही तो बोला है अंडर प्रॉमिस करो और ओवर डिलीवर।